दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर ही खबर मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। मैं हूं विवेकानंद यादव। मैं कई बार आपको मोटिवेशनल वीडियो देने का प्रयास किया और देता हूं। मेरी दिली तमन्ना यह है, आप जिस भी लाइन में हो, विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, नौकरी पेशा वाले हो, छोटे मोटे कारोबार करने वाले हो, मेरी इच्छा होती है कि आपके अंदर में वो जागृति आवे, आपके अंदर में वो इच्छा शक्ति जागे कि आप अपने जीवन को सवार सको। आपने सोचना है कि आपने क्या करना है। क्या आपने कभी सोचा कि जो वक्त निकल रहा है, क्या वो वक्त वापस आवेगा? क्या आपकी जो उम्र की सीमा जो बढ़ रही है, क्या वह उम्र सीमा घटेगी या वो बढ़ेगी? मनुष्य के जीवन में उम्र की एक सीमा होती है। उस सीमा के अंदर अगर आपने वक्त को पकड़ लिया, वक्त के महत्व को समझ लिया, समय को आपने पकड़ लिया अपने हाथों में, तो आपने सफल होने से कोई नहीं रोकना। मगर आपने यह सोचना कि मैं समय को किस तरह पकड़ूं, और क्या आप समय को पकड़कर, समय के पाबंद बनकर, आप क्या समय के साथ चलकर खुद को सवारना और सजाना नहीं चाहते? सबसे पहले आपको अपने जीवन का एक रूटीन शेड्यूल बनाना होगा। उस शेड्यूल और रूटीन के मुताबिक अगर आप विद्यार्थी हो तो एक शेड्यूल बनाना दोस्तों, कि कब उठना, कब पढ़ना, कब कोचिंग जाना, कब ऑफिस जाना, कब ट्यूशन करना, कब खाना, कब सोना, कब क्या करना। अगर व्यापारी हो तो एक शेड्यूल बनाना, कब दुकान खोलनी है, कब दुकान बढ़ाना है, कब दुकान के अंदर में क्या सामान कब सजाना है, कब लगाना है, कब क्या करना है। अगर नौकरी पेशा वाले हो तो एक शेड्यूल बनाना होगा, एक समय बनाना होगा कि मुझे कब जाना ऑफिस, कब आना, और भी घर के काम को कब करना। तो वक्त के साथ अगर आप चलते हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक वक्त में एक काम किया जा सकता है, एक वक्त में 10 काम नहीं किया जा सकता। एक रूटीन बननी चाहिए कि मैं सोकर उठा, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे वो करना है, फिर मुझे स्कूल जाना, कॉलेज जाना, ऑफिस जाना, कार्यालय जाना या अन्य कार्यों को करना। वक्त के साथ चलना होगा, वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ना होगा। कई मोटिवेशनल वीडियो आपको लोगों ने दिया, हमने दिया और सारी बातें बताई। मूल बातें जो होती है कि वक्त के साथ चलना होगा, निरंतर चलना होगा, धीरे धीरे चलना होगा, वक्त के साथ दौड़ लगाना होगा, प्रतियोगिता में प्रतियोगियों से आगे जाना होगा। हमें उस मुकाम को हासिल करने के लिए तेज धावक बननी होगी। तेज धावक बनने के लिए धीरे धीरे अभ्यास करना होगा। अभ्यास से ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो वक्त लगता है, वक्त के हिसाब से आपको वो शेड्यूल बनाना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप धनवान बन जाओ, ये करो धनी हो जाओ, वो करो करोड़पति हो जाओ, वो करो आप लाखपति हो जाओ। मैं खुद एक फकीर हूं, आपको क्या लाखपति करोड़पति बनाने का सलाह दूंगा, लेकिन मैं बहुत बड़ा धनी हूं कि आप जैसे लोग हमारे साथ हैं। ये बहुत बहुमूल्य वस्तु है। बहुमूल्य बात यह है कि आप वक्त के साथ मेरे साथ हो। मैंने वक्त को पहचाना, आपने मेरे को वक्त दिया, यही महत्वपूर्ण है और यही बहुमूल्य है। तो वक्त को पहचानना दोस्तों, वक्त के साथ चलना। विद्यार्थी हो तो वक्त को मत गंवाना। उम्र बढ़ती है, सीमाएं बढ़ती है,
पढ़ने का भी वक्त होता है, खेलने का भी वक्त होता है, मनोरंजन का भी वक्त होता है। अगर जवान हो तो बूढ़े होगे, बूढ़े हो तो मरना है, यह सत्य है। बच्चे हैं तो जवान होएंगे, तो इसी बच्चे से बूढ़े के अंदर में ही सारी कामें कर लेनी है वक्त के साथ चलकर। हमें अपने आप को संवारना है, हमें अपने आप को सजाना है, तो मुझे वक्त को पकड़ना होगा, समय के साथ कदम में कदम मिलाकर चलना होगा, अपने आप के अंदर में निराशा नहीं लानी होगी। धीरे 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 एक धावक के तरह चलते 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 पीटी उषा और बहुत बड़े धावक भी आप बन सकते हो। यह एक उदाहरण है। आप अगर विद्यार्थी हो तो पढ़त पढ़त अभ्यास करत करत आप ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। इसलिए वक्त को पकड़ना, वक्त को मत छोड़ना। वक्त को छोड़ोगे तो सारा जहां आपको छोड़ देगा, आपकी पूछ नहीं होगी। वक्त के साथ चलना, वक्त के साथ पहचानना, वक्त ही आपकी पहचान है, वक्त ही आपका पुकार है, वक्त ही आपको पहचान देगा। वक्त को मत भूलना, वक्त के साथ चलना, यही महत्वपूर्ण मोटिवेशनल पावर है। आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको तरह तरह का वीडियो देता रहूं। धन्यवाद।